दोस्तों आज मैं आपको हजरत हूद अलैहि सलाम के बारे में बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहि सलाम को आद कौम पर भेजा। वह कौम लंबे कद, चौड़े जिस्म और ताकतों वाली थी। सबसे लंबा उसमें 100 गज का और ठेंगना 60 गज का था। वे पत्थरों को काटकर पहाड़ों में मकान बनाते थे और अपनी पत्थरदिली की वजह से बुतों पर ईमान लाते थे। इनमें सिर्फ एक हीरो था जो हजरत हूद अलैहि सलाम पर ईमान लाया था, लेकिन मुखालिफों के डर से वह अपना ईमान छिपाता था। जब हूद अलैहि सलाम की नसीहतें हद से ज़्यादा हुई तब सब मुखालिफिन तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों ने हजरत हूद अलैहि सलाम को इस बात की इत्तला की। हजरत हूद ने अल्लाह से उनके लिए बददुआ की। नतीजा यह हुआ कि बारिश रुक गई और बाग व खेतियाँ सूखने लगी। अकाल की सूरत पैदा हो गई। 7 वर्ष तक यह सिलसिला चला रहा। लोग मारे भूख और प्यास के परेशान हो गए। हजरत हूद अलैहि सलाम ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि ईमान लाओ और अपने आप को दोजख की आग से बचाओ। यह सब आपसे कुफ्र की वजह से तुम पर आई है, जिसकी असल वजह खुदा का इनकार और उसकी इबादत न करना है। कुफ्र करने वालों की सामर्थ्य थी कि उन्होंने इस बागों को बातों को झूठा जाना और अपने कुफ्र पर जमे रहे और हजरत हूद अलैहि सलाम के साथ बेअदबी से पेश आते रहे। वे यही कहते थे कि ऐ हूद, हम तेरे कहने से अपने बूतों को न छोड़ेंगे और अपने धर्म से मुंह न मोड़ेंगे। उस जमाने में रस्म थी कि जिन पर बड़ी कठिनाई आती या सामने बड़ी मुहिम होती तो मक्का के हरम में जाकर अल्लाह से दुआ करते थे और उनकी दुआ कबूल होती थी। उन दिनों मक्का में आद कौम के अलावा अमालका कौम भी रहती थी। उस कौम को मक्का की सरदारी हासिल थी। जब कौम आद के लोग इस मुसीबत के शिकार हुए तो सरदारों में से 70 आदमी वहां जाने को तैयार हुए। पूरी कौम ने उनको यह नसीहत की कि मक्का में जाकर बारिश की दुआ मांगे। जब यह सब मंजिलें पूरी करके मक्का में पहुंचे और किसी के घर पर रहे तो इन सब के खाने पीने और राग रंग की महफिलें सजाने में वह शख्स लग गया। यह लोग भूख प्यास को भूल गए। कहाँ की दुआ और कैसी नमाज, वह तो सुनने लगे दिन रात गाने बाजे। मेजबान को मालूम था कि यह लोग दुआ करने आए हैं, लेकिन वह उन लोगों से इसलिए नहीं कहता था कि वह कहेंगे कि यह बड़ा कंजूस है, खिलाने पिलाने से कतराता है, फिर अपनी कौम में जाकर मुझे बदनाम करेंगे। आखिर उसने एक गजल बनाई और गाने वालियों को सिखा दिया। मजमून उसका यह था कि तुम अपनी कौम की मुसीबत से गाफिल हो रहे हो और बारिश की दुआ मांगने में कोताही कर रहे हो। अब इस गाने वालियों ने यह गजल उसको सुनाई, उनको अपनी कौम की मुसीबत याद आ गई। फिर तो एक दूसरे को मलामत करने लगे और गफलत पर लानत भेजने लगे। जब होश आया तो फिर दिन रात दुआ मांगना शुरू कर दिया और अपनी कुर्बानियों को जीवा करने का तरीका इस्तेमाल किया। मर्सीद बिन मैदान, उसमें एक शख्स था जो छिपा हुआ मुसलमान था। वह हजरत हूद अलैहि सलाम पर पूरा ईमान रखता था। वह इन लोगों से बोला, जब तक हजरत हूद अलैहि सलाम पर ईमान ना लाओगे तो अपना मकसद कभी पूरा न होगा। यह लोग समझ गए कि यह आदमी मुसलमान है। ऐसा ख्याल आते ही उन लोगों ने उन्हें अलग कर दिया और अल्लाह के दरबार में दुहाई की। इस मुद्दत में 3 टुकड़े बादल के सफ़ेद, काले और लाल पैदा हुई और इन बादल में से यह आवाज़ आई कि उनमें से एक टुकड़ा अपना लो और इसके बाद अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। लोगों ने सफ़ेद व लाल से मुंह मोड़ लिया और काले बादल पर निगाह जमाई कि यह बारिश करेगा। आवाज़ आई कि तुमने काली राख वाला बादल अपनाया है, यह तुम्हारी कौम को न छोड़ेगा और पूरी कौम को राख कर देगा। न बाप बचेगा, न बेटा, न जानवर बचेंगे, न चिड़िया। अल्लाह ताला ने इस काले बादल को आद पर रवाना किया और हूद अलैहि सलाम के मुखालिफों को इस आसमानी बला का निशाना बनाया। जब कौम वालों ने देखा कि काली बदली आई तो उन्होंने खुश होकर धूम मचाई कि इससे हमारी उम्मीदें हरी होंगी और हमारी तमन्नाएं पूरी होंगी। लेकिन यह ख्याल उनका सही न था।
इस बादल में अल्लाह का अजाब छिपा हुआ था। यह दुश्मन हजरत हूद अलैहि सलाम का मजाक उड़ाया करते थे कि अगर तू सच्चा है तो हमें अल्लाह का अजाब दिखा। चुनांचे अल्लाह का यह अजाब आ ही गया। काले बादल की शक्ल में यह जबरदस्त आंधी थी जो उन्हें तबाह करने आई थी। जब हजरत हूद अलैहि सलाम ने देखा कि अल्लाह अब इस कौम को तबाही कर देगा और अल्लाह अजाब आ चुका है, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 4000 ईमान वालों को साथ लिया और बाहर निकल आए। ईमान वालों से बोले कि यह रेखा जो मैंने अपनी उंगली से गोल गोल बनाई है, अल्लाह के हुक्म से तुमको उसमें बिठाया है, तो जो इसमें रहेगा इस अजाब की आंधी से बचा रहेगा इंशाअल्लाह। कौम वाले भी इस मुसीबत को तमाशा समझकर जमा हुए और अपने बाल बच्चों को भी साथ लाए। इतने में आंधी के तेज झोंक चलने लगी। यह झोंक इतने तेज थे कि उनके मर्दों, औरतों और जानवरों को उड़ाना शुरू कर दिया। वे कंकरियों की तरह इधर से उधर गिरने लगे, घायल होने लगे, जाने भी जाने लगी। यह सूरत देखकर कौम के लोग घरों की तरफ भागे, लेकिन इस आंधी तूफान में घर ही कहाँ बचे थे। छतें उड़ गई, दीवारों गिर पड़ी, जिससे बहुत से लोग दब दब कर मर गए। गरज यह कि उनमें से किसी की जान बच ना सकी, वे सब दब दब कर टकरा टकरा कर हलाक हो गए। 7 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। जब आंधी के झोंके रुके तो मालूम हुआ कि पूरी आबादी लथपथ पड़ी है। सिर्फ वही लोग बचे थे जो ईमान वाले थे, इसलिए कि आंधी उन तक आते आते ठंडी हवा बन जाती थी। इस तरह कौमें आज अल्लाह के गजब की शिकार हुई। उनके आलीशान मकान और हरे भरे बाग सब तबाह हो गए। हजरत हूद अलैहि सलाम शांत होने के बाद अपने साथियों के साथ बाहर आए और नए सिरे से एक तरफ अपने मकान बनाकर रहने सहने लगे। हजरत हूद अलैहि सलाम जब 464 साल के हो गए तो उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे दोस्तों, अगला एपिसोड सदाद का हाल के बारे में बताएंगे, सदाद के जन्मत के बारे में बताएंगे, और ये भी हूद अलैहि सलाम के ही वाक्या से मिलता है। तो इंशाअल्लाह कल आपको सदाद के बारे में बताया जाएगा।